ये भाग दौड़ भरी जिंदगी और साथ ही कंपटीशन और तनाव का माहौल जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, भाग रोज रोज की ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और वर्क प्रेशर का टेंशन, इस वजह से सर दर्द तो हो ही जाता है। वैसे तो सर दर्द के अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग अलग कारण होते हैं, पर आज हम जानेंगे कि ये टेंशन हेडेक क्या होता है और साथ ही ये किन कारण के वजह से होता है और क्या लक्षण होते हैं इस तरह के हेडेक के। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट 5 कारगर दवाएं डेफिनेटली वर्क करती है इन केसेस में। वैसे तो एक डिजीज के नाम पे, यानी कि हेडेक के नाम पे बहुत सारी मेडिकेशन है होम्योपैथी में, बट आज हम बात करेंगे टेंशन हेडेक यानी कि तनाव के कारण जो हेडेक होता है उनमें कौन सी बेस्ट 5 कारगर दवाएं जो डेफिनेटली हर एक केस में दी जाती है और बहुत ही इफेक्टिव होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इससे बात की जाए तो हेडेक एक ऐसा दर्द है जो लोगों को बर्दाश्त नहीं, जिस वजह से लोग पेन किलर्स माइंडलेसली ले लेते हैं बिना सोचे समझे। वैसे तो पेन किलर्स का शॉर्ट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं दिखता आपको, बट लॉन्ग टर्म पे आपकी किडनी और लिवर है उस पर अफेक्ट करते हैं और साथ ही आपके किडनी फंक्शन को हैम्पर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए पेन किलर्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, साथ ही नेचुरल सेफ होम्योपैथिक मेडिकेशन लें जिनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है, और डेफिनेटली वो मेडिसिन आपके केस में इफेक्टिव होगी और आपके हेडेक को जल्दी से जल्दी ठीक करेगी। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथी स्लो वर्क करती है, यानी कि होम्योपैथी की मेडिसिन को एक्ट करने में टाइम लगता है, बट एज सच ऐसा नहीं होता। अगर एक्यूट केस है यानी कि शॉर्टर ड्यूरेशन का कंप्लेन है, यानी कि जस्ट आपके कंप्लेन अराइज हुए, तो उसी तरीके से मेडिसिन भी एक्ट करती है और वो फौरन आपके कंप्लेन्स को ठीक करती है। तो और हमने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे हेडेक केसेस देखे हैं जिनका इंस्टेंट रिजल्ट मिला, यानी कि जैसे पेन किलर से एनाल्जेसिक्स वर्क करते हैं हेडेक में, वैसे ही होम्योपैथी की मेडिसिन भी बहुत जल्दी और कम ड्यूरेशन में हेडेक केसेस में वर्क करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो को अपडेट ना मिस करें और साथ ही मेरी लाइव कंसल्टेशन को मिस ना करें। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक है ये जो हेडेक है ये मोस्टली फ्रंटल एरिया में देखने को मिलता है, यानी कि आगे के सर के हिस्से में दर्द बहुत ज्यादा और कॉन्स्टेंट बना रहता है और माइल्ड टू मॉडरेट होता है। दफा ये बहुत तेज हेडेक भी देखने को मिला है। ऐसा लगता है जैसे सर के आसपास कोई टाइट बैंडेज बांधा गया और नेक एकदम जो गर्दन वो स्टिफ हो गई है, हिल नहीं पा रही। इस तरह का जो टेंशन हेडेक मोस्टली इसके कॉजेस देखा जाए तो ये किसी तनाव या फिर स्ट्रेस या फिर इम्प्रॉपर स्लीप या इम्प्रॉपर पॉस्चर की वजह से, यानी कि आप अगर ऑफिस में बहुत देर तक लंबे समय तक बैठे रहते हैं लैपटॉप्स या स्क्रीन पे वर्क वगैरह करते हैं, और अगर आप बहुत ही ज्यादा बिजनेस माइंड यानी कि आप कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने माइंड का वर्क करते रहते हैं और प्रॉपर स्लीप वगैरह नहीं लेते हैं, या फिर आपको कोई तरह का दुख तकलीफ है या कोई टेंशन है जिसकी चिंता आपको खाया जा रही है, आप उसके बारे में बार बार सोचते हैं, इन सारे कारण की वजह से अगर आपको हेडेक होता है तो उसे टेंशन हेडेक। बात करते हैं अब होम्योपैथी में कौन सी बेस्ट 5 कारगर दवाएं हैं जो टेंशन हेडेक में वर्क करेगी सिम्टम्स के साथ। नंबर 1 पे जो मेडिसिन आती है, अगर आपको बिजनेस का बहुत ज्यादा टेंशन रहता है यानी कि आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, उस वजह से आपको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, बार बार सोचते रहते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, या फिर अरे ये तो घाटा हो गया, उस टेंशन में आपको नींद वगैरह भी नहीं आती, या फिर आप पे ऑफिस का वर्क प्रेशर ज्यादा है, आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत उस पर कंटिन्यूसली वर्क वगैरह कर रहे हैं लैपटॉप पे कंटिन्यू बैठ करके, और या तो आप कोई स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं जो कि आप किसी प्रोजेक्ट या फिर एग्जाम को लेकर के कंटिन्यूस स्टडी वगैरह कर रहे हैं, लेट नाइट स्टडीज कर रहे हैं, खुद को अवेक रखने के लिए, जगाए रखने के लिए स्टिमुलेंट्स का यूज़ करें, पावर देने के लिए स्टिमुलेंट्स का यूज़ करें किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कैफीन हो, चाय हो, सिगरेट्स हो, किसी भी फॉर्म में आप स्टिमुलेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लें। और दिन भर बैठे रहने का काम है, और साथ ही जो आपका हेडेक है वो फ्रंटल एरिया में ज़्यादा, यानी आगे माथे में बहुत शदीद और तेज़ दर्द रहता है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको वोमिट हो जाता तो आप बेटर फील करते हैं। इस तरह के अगर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप नक्स वोमिका को 30 पोटेंसी में 4 से 5 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के आधे आधे घंटे के इंटरवल पे 3 डोज लीजिए, आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा यानी कि नाकाबिले बर्दाश्त वाला पेन है तो आप इसको 15-15 मिनट के इंटरवल पर रिपीट कर लें, 3 से 4 डोज में आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को, और आपको आपके हेडेक में आराम मिलेगा।
सेकेंड जिस मेडिसिन की हम बात करें, अगर आपको थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन होता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है चपके चल रहे हैं, या फिर जैसे आपकी जो नस होती है सर की वो फड़कती है, तो इस तरीके का आपको फीलिंग आपको महसूस हो रहा है कि आपके, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हैमरिंग पेन हो रहा है, यानी कि कोई आपको हथौड़े से आपके सर में मार रहा है, इस तरह का शदीद दर्द हो, ये जो दर्द का लोकेशन यानी कि जो हेडेक का लोकेशन वो टेम्पल्स का यानी कि इस एरिया में आपको सर दर्द हो रहा है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप जैसे लेट के उठ रहे हैं तो आपको चक्कर वगैरह आ रहा है, आपका फेस पूरा रेड हो चुका है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हेयर वॉश किए और आप बाहर गए और आपको सर में ठंड लग गई, उस वजह से आपको हेडेक हो और आपको सर के आसपास टाइट कपड़ा बांधने फिर आपको हेड को बैकवर्ड करने से आराम मिले, तो आप बेलाडोना को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद एक चम्मच पानी में डाल आधे आधे घंटे के इंटरवल पे 3 डोज ले, आपको जरूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका जो ये टेंशन हेडेक है वो ठीक होता दिखाई दे। थर्ड जिस मेडिसिन की हम बात करें, अगर आपको टेंशन हेडेक है और हेडेक में ऐसा आपको लग रहा है जैसे आपका सर किसी कपड़े से बांध दिया गया हो, इस तरह का तनाव महसूस हो रहा है खास करके आपके नेक के रीजन में, और ये जो दर्द है वो आपको ऑसिपिट यानी कि सर के पिछले हिस्से में आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, कि आप बहुत ज्यादा डल डिजीनेस और ड्राउजीनेस फील कर रहे हैं, यानी आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आपको अपने शरीर में जान नहीं लग रही और चक्कर वगैरह से आ रहे हैं, इस तरह के आपको सेंसेशन देखने को मिलती है, तो आप जेलसीमियम को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद एक चम्मच पानी में डाल के 3 से 4 डोज आधे आधे घंटे के इंटरवल पे ले, आपको जरूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ जिस मेडिसिन की हम बात करें, उसमें अगर आप बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, यानी कि आप कोई एमएनसी वर्कर है, मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्कर्स बैठे रहते हैं, डेली लैपटॉप के सामने बैठकर कंटिन्यूअस 8 से 12 घंटे तक वो अपना मेंटल वर्क कर रहे हैं, तरीके का कोई लोग जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको अगर हेडेक डेली बेसिस पे अराइज होता है कि वो डेडलाइन का टेंशन ज़्यादा लेते हैं, अरे ये डेडलाइन ख़त्म होने वाली, मुझे तो वर्क सबमिट करना है, कंप्लीट करना है उस टाइम से पहले, और बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जर्शन करते हैं, इस तरह से मेंटल स्ट्रेस की वजह से उनको अगर हेडेक अराइज होता है, तो आप कालीफॉस को 6x पोटेंसी में 3 से 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम फॉर 7 to 14 डेज ले, आपको जरूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ मेडिसिन की अगर हम बात करें, अगर आपको बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस के वजह से, अगर आप बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में और उस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका सर फटने वाला है, आप बार बार कॉन्स्टेंट एक चीज को सोचे जा रहे हैं और उस चीज के बारे में सोच सोच के आपका जो मेंटल स्ट्रेस और तकलीफ और बढ़ रही है, इस तरह का अगर आपको हेडेक हो रहा है सर के किसी भी एक हिस्से में, तो आप नेट्रम म्योर को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद एक चम्मच पानी में डाल के आधे आधे घंटे के इंटरवल पे 3 से 4 खुराक लें, आपको जरूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही केस में एक बोनस मेडिसिन हम आपको बता देते हैं, अगर आप हाईली इमोशनल हैं, यानी कि आपको हर छोटी बात जल्दी लग जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ब्रूडिंग कैपेसिटी की, यानी कि आपको हर छोटी बात जल्दी लग जाती है, आप उसके बारे में ओवर कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट और सैड रहते हैं, किसी से जल्दी डिस्कस नहीं करते अपनी प्रॉब्लम, और आपको हेडेक अराइज होता है इस टेंशन के वजह से, तो आप इग्निशिया को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद एक चम्मच पानी में डाल के 3 से 4 खुराक लें आधे आधे घंटे के इंटरवल पे, आपको जरूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए एडिशनल टिप्स, आप कोई भी एक फॉर्म का एक्सरसाइज करें दिन भर में, चाहे वो कोई मेडिटेशन हो, योगा हो, या फिर आप सिंपल वॉक पर जाएं आधे घंटे के लिए, और साथ ही आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और स्ट्रेस वगैरह को अवॉइड करें। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए पर व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या कंप्लेन या कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कंप्लेन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर से रिप्लाई देंगे और आपकी जो भी समस्या उसका समाधान निकालने की निश्चय ही पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।